दोस्तों, नमन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो बहुत से फनकारों ने अपनी आला फनी सलाहियतों के बाइस अपना और अपने इदारे का नाम रोशन किया, मगर उनमें से कुछ लोग अपनी जानदार अदाकारी से ऐसे नक्कूश छोड़ गए जो रहती दुनिया तक अनमिट नक्कूश बनकर हमारे साथ रहे। उन्हीं में से एक नाम आता है रोमानी हीरो राजेश खन्ना का। बहुत तकलीफ हो रही है दार, धोखेबाज, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। क्या क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें? हाँ, मान, मर्यादा, पैसा, इज्जत, दौलत। आवाज की दुनिया के दोस्तों, 24 दिसंबर 1942 को अमृतसर में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम जतिन खन्ना रखा गया। उस वक्त किसी के जहन गुमान में ये नहीं था कि जतिन खन्ना बड़ा होकर राजेश खन्ना के नाम से पहचाना जाएगा। राजेश खन्ना ने इब्तदाई तालीम गुड़गांव के करीब ठाकुर द्वारे में हासिल की। उन्होंने सेंट सेबास्टियन गॉन हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। दोस्तों, राजेश खन्ना ने स्कूल के जमाने से ही अदाकारी की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी थी। वो स्कूल की ड्रामेटिक सोसाइटी में भी शामिल रहे। दोस्तों, राजेश खन्ना ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला कर लिया। इन्होंने 1965 में ऑल इंडिया टैलेंट शो में 10,000 से ज्यादा अफराद के साथ शिरकत की। इतने सारे अफराद की मौजूदगी में उन्होंने अपनी सलाहियतों के बलबूते पर मुकाबला जीत लिया। इसी जीत के बाद इन्हें दो फिल्में रास और आखिरी खत मिली जी। दोस्तों, उनकी पहली फिल्म आखिरी खत 1966 में रिलीज हुई। अजीज दोस्तों, उसके बाद 1967 में राजेश खन्ना की फिल्म रास रिलीज हुई। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल अदा किया, मगर दोस्तों ये दोनों फिल्में कुछ ज्यादा मकबूल नहीं हो सकी। 1969 का साल राजेश खन्ना के लिए बहुत खुश आइन साबित हुआ जब उनकी एक म्यूजिकल हिट फिल्म आराधना रिलीज हुई। इस फिल्म के हिट होते ही राजेश खन्ना के चारों तरफ फिल्म साजों की लाइन लग गई। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर ने जमकर अदाकारी की। खास तौर से मौसीकार एसडी बर्मन और आनंद बख्शी की मौसीकी ने फिल्म के तकरीबन तमाम नगमात को हिट कर डाला जी। प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, फिल्म आराधना उस दौर की सबसे बड़ी और कामयाब फिल्म साबित हुई। फिल्म के हिट होते ही उनके लाखों मद्दाहों ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार करार दे दिया। दोस्तों, राजेश खन्ना के लिए दीवानगी का ये आलम था कि उस दौर में उन्हें लड़कियां अपने खून से लिखी हुई चिट्ठियां भेजा करती थी। राजेश खन्ना की तस्वीर के सामने घंटों बैठकर उनसे बातें किया करती थी। शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना की एक झलक देखने के लिए बेताब रहा करती थी। दोस्तों, राजेश खन्ना अपने चाहने वालों को वो प्यार याद करते हुए आज भी इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ खून से चिट्ठियां लिखते थी, और जिस दिन मेरी शादी भी हुई डिंपल जी के साथ, तो उस दिन काफी लड़कियों ने वेरी सैड बट दे कमिटेड सुसाइड। जी दोस्तों, राजेश खन्ना बता रहे थे कि जब डिंपल कपाड़िया से उनकी शादी हुई तो बहुत सी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली थी जी। अजीज नमन, 1970 में राजेश खन्ना की एक और बेहतरीन फिल्म सच्चा झूठा रिलीज हुई। मुमताज के मद्दे मुकाबले इस फिल्म में उनका डबल रोल था, और इस फिल्म की वजह से राजेश खन्ना ने फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी हासिल किया। दोस्तों, 1971 में उनकी एक और बड़ी फिल्म हाथी मेरे साथी रिलीज हुई। इस फिल्म में हीरोइन का किरदार अदाकारा काजल की वालिदा तनुजा ने अदा किया था। इस फिल्म में भी बहुत अच्छा बिजनेस किया, जबकि 1972 में उनकी फिल्में अमर प्रेम, अपना देश, दिल दौलत दुनिया, बाबरची, जोरू का गुलाम, मेरे जीवन साथी रिलीज हुई। दोस्तों, गिरामी रोमांटिक मूड के इंसान थे। जमाना शबाब में उनके इश्क के किस्से बहुत मशहूर हुए थे। अजीमन, उन्होंने पहला इश्क अंजू महेंद्रो से किया था। अदाकार अंजू महेंद्रो का पहला फिल्मी ब्रेक 1966 में रिलीज होने वाली फिल्म उसकी कहानी जी इसे मिला था। उसी साल ही राजेश खन्ना की भी पहली फिल्म रिलीज हुई थी। दोस्तों, 1972 में अदाकार हिदायतकार राज कपूर ने एक फिल्म बॉबी बनाने का इरादा जाहिर किया। इन्होंने इस फिल्म में अपने जमा साला बेटे शशि कपूर को हीरो लिया,
जबकि हीरोइन की तलाश करते हुए उनकी नजर एक इंतहाई खूबसूरत और तीखे नकुश की इंतहाई कम उम्र लड़की डिंपल कपाटिया पर पड़ी। उन्होंने डिंपल कपाटिया को शशि कपूर के साथ बतौर हीरोइन कास्ट किया। और दूसरा नंबर, ये डिंपल कपाटिया की पहली फिल्म थी। शूटिंग के दौरान जब राजेश खन्ना की नजर फिल्म की हीरोइन 16 साला डिंपल कपाटिया पर पड़ी तो ये उनके उन हुस्न में खो गए और उन्हें देखते ही देखते अपना दिल दे। दोस्तों, इस दौर में हर लड़की की तरह से डिंपल भी राजेश खन्ना के रोमांटिक इमेज की दीवानी थी। दूसरी तरफ राजेश भी डिंपल की खूबसूरती पर फिदा हो गए और फिर एक सुबह जोहो बीच पर दोनों ने इकरार मोहब्बत किया। इस दौरान राजेश खन्ना ने डिंपल की उंगली से वो अंगूठी निकालकर समंदर में फेंक दी जो कि बॉबी की शूटिंग के दौरान शशि कपूर ने उनकी उंगली में पहना दी थी। दोस्तों, दरअसल शशि कपूर का दिल डिंपल कपाटिया पर शूटिंग के दौरान आ गया था, तब इन्होंने वो अंगूठी डिंपल कपाटिया की उंगली में निशानी के तौर से पहना दी थी। दोस्तों, जब गुजरात के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी डिंपल कपाटिया ने राजेश खन्ना से जब शादी का तस्करा अपने घर में किया तो फिर डिंपल की वालदा ने इस रिश्ते से कतई इनकार कर दिया। उन्हें एतराज जी राजेश खन्ना की उम्र पर। राजेश खन्ना की उम्र उस वक्त 32 बरस थी जबकि दोस्तों डिंपल की उम्र उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 16 बरस थी। लेकिन डिंपल के वालिद चुन्नी लाल कपाटिया इस बात से खुश थे कि उनका दामाद राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार बन रहा है। बिलाकर डिंपल के दबाव बाईस उन्हें वालदेन ने शादी की इजाजत दे दी। दोस्तों, उनकी इस मुलाकात के ठीक एक हफ्ते के बाद चट मंगनी और पट ब्याह के फार्मूले के तहत उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई। बिलाकर 27 मार्च 1973 को राजेश खन्ना ने बहुत धूमधाम से डिंपल कपाटिया के साथ शादी कर ली। दोस्तों, 1974 में उनकी एक और कामयाब और नगमाती फिल्म आपकी कसम रिलीज हुई। इस फिल्म में मुमताज के साथ उनका ये गीत भी बहुत ज्यादा सराहा गया। दोस्तों, गिरामी राजेश खन्ना को फनी जिंदगी के एजाज में बेशतर अवार्ड मिले। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। इस अवार्ड को पाकर वो खुशी से फूले नहीं समाते थे जी। अवार्ड को हासिल करने के लिए मुझे 40 साल लगे और 180 पिक्सल फिर जाके ये मुझे हासिल हुआ, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बहुत आभारी हूँ, ये आपकी बदौलत, ये आप ही हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। दोस्तों ने गिरामी, फिल्मों में डिंपल कपाटिया की डिमांड 1973 में फिल्म बॉबी के रिलीज से ही बढ़ चुकी थी। उन्हें शादी के बाद बेशतर फिल्मों के लिए ऑफर आई मगर राजेश खन्ना डिंपल के फिल्मों में काम करने के कतई हक में नहीं थे। डिंपल को इस बात से हैरानी थी कि बॉबी जैसी ब्लॉकबस्टर्स के बाद कोई हीरोइन अपना सुनहरी कैरियर कैसे छोड़ सकती है। फिर दोस्तों 1974 में ट्विंकल खन्ना और 1976 में रिंकी खन्ना ने जन्म लिया। दोस्तों, राजेश खन्ना को फिल्मों में कामयाबी 1979 में अमरदीप जैसी फिल्मों तक मिलती रही। राजेश खन्ना का फिल्मी दौर लगभग 3 दहाइयों पर मोहित रहा। इन्होंने बहुत सी हीरोइन के साथ काम किया मगर इनकी जोड़ी शर्मिला टैगोर और आशा पारेख के साथ बिल्कुल फिट मानी जाती थी। दोस्तों, में राजेश खन्ना ने कमोबेश 190 फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए। अजीजनमन, उनकी शरीक हयात डिंपल कपाटिया फिल्मों की तरफ वापस आना चाह रही थी मगर फिल्मों के जिक्र से ही राजेश खन्ना भड़क जाते थे। इस बात को लेकर दोनों के दरमियान एक सर्द जंग का आगाज हो गया। राजेश खन्ना से तनाव के बाइस डिंपल ने फिल्मों में वापसी का पक्का इरादा कर लिया था। इसी तनाजे ने जब शिद्दत अख्तियार की तो फिर दोस्तों डिंपल कपाटिया अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर राजेश खन्ना के घर को छोड़कर और वो अपनी माँ के घर में जा बसी। राजेश खन्ना को अपनी बीवी डिंपल की बीजा जिद और घर छोड़ने का बेहद दुख रहा और दोस्तों बात तलाक तक जा पहुंची।
मगर डिंपल कबाड़िया जिद की पक्की थी, उन्होंने अपना इरादा तर्क नहीं किया। दोस्त निमन 1981 में उनकी एक और नगमाती फिल्म कुदरत रिलीज हुई। इस फिल्म में हेमा मालिनी के साथ उनका ये गीत भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। तू कभी पूछेगा नहीं क्या मेरा प्यार कितना है? कितना है? आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक। और तू कितना प्यार करता है? हमें तुमसे कितना प्यार है पारो, ये तो हम नहीं जानते। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। अजीजन मन, राजेश खन्ना से डिंपल की अलैदगी के बाद डिंपल को एक फिल्म मिली। उस फिल्म का नाम था सागर, जिसे डिंपल ने फौरन साइन कर लिया। और आपको ये बताते चलिए कि दूसरी बार भी इस फिल्म में इनके हीरो थे शशि कपूर। वो अपनी खोई हुई मोहब्बत को पाकर बहुत खुश हुए। अजनवन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अखबारात और रिसाइल ने डिंपल कपाड़िया और शशि कपूर की नजदीकियों की दास्तानों को बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा। ये तमाम चीजें राजेश खन्ना को सहनी तौर से मफलूज कर रही थी। डिंपल और शशि की नजदीकियां देखकर राजेश खन्ना की हालत दीवानों जैसी हो गई। अपना गम गलत करने के लिए वो ड्रग्स का सहारा लेने लगे। इस दौरान दोस्तों वो फिल्में भी साइन करते रहे। फिर दोस्तों उनकी जिंदगी में दाखिल हुई नाजुक अंदाम वाली खूबसूरत सी हसीना टीना मिनियम। इस न्यू एंट्री के साथ राजेश खन्ना ने 4 फिल्में 50-50, सौतन, बेवफा और सुराग में एक साथ काम किया जी। ऐसे हालात में टीना मिनियन ने इन्हें सहारा देने की कोशिश की। तो दोस्तों मन, राजेश खन्ना को ऐसे लगा कि जैसे उनके जख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया हो। टीना मिनियन के साथ 1985 में रिलीज होने वाली फिल्म आखिर क्यों बहुत ज्यादा हिट साबित हुई। और इस फिल्म का ये गीत भी आज तक मशहूर रहा जी। दोस्तों राजेश खन्ना ने अपने दूसरे प्यार को हासिल करने की बेहद कोशिश की, मगर उन्हें उस वक्त जहनी कोफ्त का सामना करना पड़ा जब टीना मिनियम हायर एजुकेशन के लिए कैलिफोर्निया चली गई। उन दोनों की राहें अलग अलग हो गई जी। 1995 में राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म अलग अलग रिलीज हुई। इस फिल्म में टीना मिनियम के साथ उनका ये गीत भी उनके जख्मों की अक्कासी करता हुआ सा नजर आता है जी। कभी बेबसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। आवाज की दुनिया के दोस्तों अब उनकी दोनों बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकल खन्ना फिल्मों में अपनी पहचान बना चुकी थी। सन 2001 में उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना की शादी मारूफ अदाकार अक्षय कुमार के साथ तय पाई। दोस्तों फिल्मों में नाकामी और घरेलू नाचाती के बाइस राजेश खन्ना ने टीवी का रुख किया। सन 2000 में अपने पर आए और इत्तेफाक जैसी सीरियल के साथ वो छोटे पर्दे भी नजर आए। ये सिलसिला सन 2008 में भाभी माँ तक जारी रहा, लेकिन बदकिस्मती से छोटे पर्दे ने भी उस सुपरस्टार का साथ नहीं दिया। फिर उन्होंने अपना गम गलत करने के लिए सियासत में कदम रखा। 1992 में नई दिल्ली से कांग्रेस पार्टी की जानिब से इलेक्शन जीते, लेकिन फिर सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली। अजीज अलमन 1983 में रिलीज होने वाली उनकी एक और शोहरा आफाक फिल्म अगर तुम ना होते जी, उससे एक इंतखाब आपकी समातों की नजर कर रहे हैं। हमें और जीने की चाहत न होती,